Wow. गोवा में वो बीच याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ भी तो कितना अच्छा गुफा जैसा के लग रहा है। बारिश में इधर पूरा पानी भर जाता है क्या? इधर है, इधर है, इधर पूरा भर जाता है, पूरा है। इधर का रास्ता नहीं है, फुल वाटर है, फुल वाटर है इधर टाइम पर। तो ये पूरा यहाँ तक पानी आता है क्या? पानी इधर नहीं है, इधर का नीचे, उधर इधर ही नीचे ही आता है। हारते नहीं हम, जीतते वीर तुम बड़े। चलो आराम से आराम से आराम से। पाइनएप्पल है मेरे, पाइनएप्पल जून जुलाई अगस्त में मानसून के महीने में यहाँ पे लाइक नजदीक जाना मना है, और इधर आना भी शायद ये बंद मना है क्योंकि ये जो हाई टाइड का होता है। स्टोन है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। ये इस तरह का बीचेस हमने ना तो गोवा में दिखा है और ना कहीं और आज तक। ये लकड़ी की जैसा है बीच, देखा था ना गोवा में। 4:35 हो चुके हैं, कुछ देर में यहाँ पे सनसेट होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा देख के। रोम बीच में बेसिकली यदि आप आते हैं तो सनसेट आपको देखना ही चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे उधर, उसके बाद देखेंगे कि कुछ भी नौ बोट वगैरह में जाना है तो उसके लिए भी देखेंगे। वाह क्या स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। यहाँ पे शूज पहन के आए, नहीं तो थोड़ा सा इस तरह का क्रॉक्स पहन के आए तो आपके लिए चलने में आसानी होगी। हम लोग एकदम ऊपर में चल रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं जहाँ पे ठंडी हवाएं चलेंगी, क्योंकि अभी लगभग थोड़ा सा धूप कम हो रहा है लेकिन गर्मी थोड़ी सी है, इसलिए थोड़ा वाटर लेवल के पास जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा हमें। और ये पाइनएप्पल मुझे भी देना। अरे भाई अभी तक मैंने एक भी नहीं खाया है। हाँ वाओ पफ ओम बीच। अब ये पता चला कि क्यों इस बीच को सबसे खूबसूरत बोला जाता है। देखो हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं टॉप में। टॉप ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट तो वो है, वहाँ तक जाना तो मुश्किल है। लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए ट्राई करते हैं जितना दूर जा सकते हैं, और थोड़ा सा बस यहाँ पे कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी किसी को होना चाहिए था, बट आई कैन नॉट सी एनीवन। तो इसलिए आप आते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से ही रहना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीफी है। अभी ज़्यादा फिसलन तो नहीं है इसमें क्योंकि वाटर लेवल तो काफ़ी नीचे है, इसलिए जब भी आना है थोड़ा सा अच्छे से ही चलना है। स्टिल लाइक काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर देखेंगे तो देखिए वाटर स्पोर्ट मोटर बाइक चल रहा है, हाँ एक्वा राइड है, बोट वगैरह भी है, ठीक है काफ़ी अच्छा है। दिन कुछ देर में यहाँ पे सनसेट होने वाला है तो व्यू काफ़ी अच्छा होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए सके और कमेंट कर सके, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं दोपहर में धूप में आके, तो प्लीज़। और यहाँ पर देखिए फ़ोटोशूट चल रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो आपके पास यदि DSLR है, थोड़ी जूमिंग वाली लेंसेज हैं, तो वहाँ से आप अपना फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। वाटर का फ्लो देखेंगे तो आपको उस लेवल में ना काफ़ी अच्छा मिलेगा, देखिए उधर काफ़ी अच्छा लग रहा है उस वाले लेवल पे। तो उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ पे बैठना पड़ेगा। गाइस यदि ओम बीच आते हैं आप तो यहाँ पे नियरेस्ट आपको होटल एंड रिजॉर्ट भी है इसका, शायद नमस्ते कैफ़े का आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं,
तो यहाँ पे देखेंगे तो सामने जो है वहाँ पे लोग वहाँ पे बैठ के डिनर वगैरह जो भी लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद उसमें भी आप खाना खा सकते हैं और इसका अलग से एकोमोडेशन का भी है तो आप उसमें रुक सकते हैं। तो या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आने के बाद होम बीच में आने के बाद नियरेस्ट ही है, ठीक है। तो गाइस फाइनली अब हम लोग सनसेट कवर करने के लिए नीचे की तरफ चल रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग ताकि अब सनसेट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। फिर आपको उधर दूसरा साइड दिखाएंगे जहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स। काफ़ी ज़्यादा स्टीफ है और ये देखोगे तो कांच वगैरह भी फेंका हुआ है तो थोड़ा सही से चलने का। वाओ यहाँ से क्या व्यू है क्लाउड का, मस्त। ये लग रहा है कि पूरा इसमें स्टोन था, बाद में ये बीच में रास्ता ये हो गया। तो गाइस यहाँ तक अब हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वो पॉइंट जहां से भी आपको अच्छे से सनसेट दिखा पाएंगे। देखिए गजब टाइप से ये स्टिक से पूरा का पूरा देखो ऐसे, वाह। और ये यहां तक कैसे, यहां से कूद गए क्या? फाइनली गाइस पहुंच गए। मेरे चप्पल, ये चप्पल की वजह से काफ़ी ज़्यादा लचीला है ना, स्टिफ है नहीं। इधर शूज पहन के आना चाहिए था, गलती हो गई। ये तो और अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, मस्त। वाओ फाइनली ये वहाँ तक चली गई है, अब हमें भी जाना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे जाकर सनसेट व्यू आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे जाकर टाइम लैप्स शूट करूँगा और दिखाऊंगा। जब तक ये सनसेट नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा सा वहाँ पे शूट करेंगे और फिर उसके बाद चलने वाले हम लोग आगे की तरफ जहाँ से आपको दिखाएंगे स्पोर्ट्स वगैरह जो भी चल रहे हैं, यदि उस टाइम तक चलता रहा तो, नहीं तो सामने से जाके वो जो चट्टान दिख रहा है आपको सामने से आपको वाटर फ्लो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सराउंडिंग देखेंगे तो ये वाटर फ्लो जो है इधर सी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सरफेस एरिया इधर सी का ज़्यादा है, चट्टान इधर बीच में पड़ गए हैं जिसके वजह से वाटर फ्लो यहीं पे है। और इधर देखेंगे तो उस तरीके का टाइड नहीं है, उस तरह का वेव आगे नहीं है। देखो उधर जो पूरा दिख रहा है आपको, उधर कहीं वेव आपको दिखाई उतना नहीं देगा, नॉर्मल वाटर दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि रिवर वाटर जैसा है या बांध ऐसा जैसा लग रहा है। इसलिए आराम से वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं और यहाँ पर मेन टाइड है आपको इधर, और बीच ये एरिया पूरा का पूरा आपका स्टोन से है, इसके वजह से वाटर फ्लो इधर ही रुक जा रहा है। हेलो गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ से हम लोग करने वाले हैं टाइम लैप्स, आपको दिखाने वाले हैं सनसेट और काफ़ी अच्छा है, आप व्यू देख सकते हैं क्योंकि उस टाइम तक सन क्या था थोड़ा ऊपर में था जिसकी वजह से फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा साइड ये अब मतलब सनसेट का टाइमिंग हो रहा है ना तो अच्छा व्यू आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और यहाँ से वाटर लेवल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, काफी ब्यूटीफुल है। वाओ तो गाइस देख सकते जैसे जैसे इवनिंग का टाइम हो रहा है यहाँ पे वेव जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है और काफी मजेदार दिख रहा है यहाँ पे, वाओ सुपर। और यहाँ पे हमने दे दिया है टाइम लैप्स शूट करने के लिए, हमारा टाइम लैप्स जो है यहाँ पे शूट हो रहा है और जैसे ही होगा वैसे ही आपको दिखाएंगे यहाँ का सनसेट व्यू, तब तक आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए।
वाओ। ये देखिए वाओ। और हमारे पति के पागल हो रहे हैं अपना लगा दिए टाइम लैप्स में। तो इसके चैनल को भी आप देख लीजिएगा, इसका है प्राची रॉक करके चैनल, जिसने हमसे इंस्पायर होकर इसने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है। इसका भी चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं मिलकर। तो गाइस अभी इतना अच्छा हवा बह रहा है, मतलब बता नहीं सकता अपने। आप आइए यहाँ पे, एंजॉय कीजिए हम बीच में, उसके बाद आपको पता चलेगा। और एक ऐसा ही बीच था गोवा में, नाम याद नहीं आ रहा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, देख लेना आप। ठीक है, ऐसे ही मतलब इतनी ज़्यादा चट्टान नहीं थी, बट हाँ एडवेंचरस था। हम लोग मॉर्निंग में वहाँ पर गए थे, काफ़ी मज़ा आया था। ठीक है, वहाँ पर फॉरनर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर ये बीचेस लगा कि अभी गोवा, मतलब गोवा में भी हमने ऐसे बीचेस नहीं देखे, काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे सो जाने का मन कर रहा है, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। और ये देखिए, ये भी हाई टाइड्स बढ़ गई है। ये भी लगा के लिया, जूमिंग कर दिया। और ये हाई टाइड्स, वाओ एकदम नदी के जैसा लग रहा है। वाओ और गाइस फाइनली हो चुका है सनसेट, देख सकते हैं, और हमारा सनसेट कैप्चर हो चुका है इसमें। तो चलिए चलते हैं और हाइपरलैप्स को एंजॉय करते हैं, जो हमने बहुत मेहनत से यहाँ पे आकर लाइक ये है। उसके बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा रहा, थोड़ा सा और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भी थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम उधर से आगे जाकर ट्राई करेंगे। थोड़ा मेरे को डर लग रहा था इधर से जाने के लिए, स्टीफ था, चप्पल भी थोड़ा अच्छा नहीं। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने देख लिया होगा जो भी हमने आपको दिखाया टाइम लैप्स। अब चल रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें टाइम लैप्स शूट करना था, इसलिए हम इधर दिखा नहीं पाए पहले आपको। अब इधर चलते हैं और देखते हैं अभी तक कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स या कुछ एक्टिविटीज़ हैं सामने से कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये है शहरी वाला एक्वा राइड। दीदी देख लो कुछ चाहिए तो। अभी भी वाटर स्पोर्ट्स चल रही है, अभी 6:10 हो चुके हैं इवनिंग, बट स्टिल अभी वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं। मोटर बाइक देख सकता हूँ, एक्वा राइड भी अभी है। अभी भी इवनिंग का मतलब 6:30 होने वाले हैं, अभी भी लोग देख सकते हैं। अभी तो और अच्छी हवा चल रही है, मस्त लग रहा है हमें यहाँ पे। लाइक तीन चौराहे देखने के लिए, एक जहाँ से आपको सनसेट दिखाया वो पॉइंट, दूसरा जो है उसमें एक्वा राइड चलती है, और तीसरे वाले में यहाँ पे बनाना राइड है और मोटर बाइक। जय समुद्र देवता।
जो जिसमें मतलब एक साथ 7-8 लोग बैठ सकते हैं, बीच में पकड़ने के लिए रहता है, और उसके सामने बगल वाला भी बम्पर राइड है, उसमें आपको ले जाया जाता है और बीच समुद्र में जो आपको मतलब कभी कभी फेंक देते हैं। यहाँ पे इस बीच इसका सारा कुछ आपको दिखाया, और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, कल मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे गोकर्णा बीच की और जहाँ जहाँ हम लोग कवर कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अभी जब तक यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू। और ये बीच में दी गई है यहाँ पे झूला, झूलने के लिए नहीं हो रहा, पैर से करो, देख सकते हैं वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं बीच से, ओम बीच से, और रास्ता देख सकते हैं कि इतना सुनसान है और इतना नैरो रास्ता है कि आप दो बाइक वाले आ रहे थे तो ठीक है, और वन ये क्या है मतलब टू वे रास्ता है ना, मतलब उधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ियाँ जा रही है, और स्कूटी के लिए तो ठीक है दो स्कूटी आ रही है, जब स्कूटी के साथ एक कार आ रहा है ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टाइम से पहले निकल जाए, 6 बजे तक मतलब जैसे सनसेट होता है उसके पहले निकल जाए, क्योंकि रास्ते में कहीं भी लाइटनिंग नहीं है, प्लस ट्रैफिक जाम हो जाता है यदि दो दो गाड़ियां और बस चली जाती है, कार चली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना सेफ रास्ता नहीं है, इसलिए पहले ही आप निकल जाए। फाइनली अभी हम लोग वहाँ से पहुँचे और मेन सिटी में आ चुके हैं जहाँ पे थोड़ा लाइट मिली है, नहीं तो आप जैसे ही ओम बीच से निकलेंगे कम से कम आपको 3 किलोमीटर एरिया तक कोई लाइट नहीं मिलेगा, प्लस इतना नैरो रोड है कि बाइक चलाने में भी आपको डर लगेगा, इसलिए एक कार चली जाए तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं बचता है दूसरे बाइक के लिए। हेलो गाइस, तो फाइनली जो है पहुँच चुके हैं अपने रूम में, और एक्सपीरियंस की बात करो तो ओम बीच तो काफ़ी अच्छा था, बस मैंने आने से पहले बहुत सारी वीडियोज देखे लेकिन किसी भी वीडियो में ही ये जानकारी नहीं दी गई कि इतना अनसेफ रोड है, क्योंकि हमें जाने के टाइम में तो थोड़ा ठीक लगा था क्योंकि दिन था, फिर भी रोड जो है काफ़ी जिलेबी टाइप का है, मतलब ऐसे जाओगे फिर ऐसे घूमोगे फिर ऐसे जाओगे, तो 2-3 किलोमीटर एरिया तक ऐसा है, तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप बाइक चला पाएंगे, नहीं तो रात में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और रास्ता जो है हमने जैसे आपको थोड़ा सा दिखाया, आते टाइम में जो है रास्ता जाम हो गया था, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, ठीक है, तो आप जो है अच्छे से आराम से चलिए वहाँ पर, कभी भी आते के टाइम में पहले ही निकल जाइए बीच से, जिससे सनसेट होता है 6 PM तक आप वहाँ से निकल जाइए।